Hello guys, you all are watching Seva Learning. You all can also visit us on www.sevalearning.in. So maximum all the states of India have completed their mop-up rounds except All India Deemed Quota Mop-up and Uttar Pradesh Mop-up. And even few states are doing their mop-up counseling, but their registration is already over. So jo log bhi already registered kiye hain, jaise Rajasthan hua, West Bengal hua, कर्नाटक हुआ, एमपी हुआ, वहां पे अभी इंस्टीट्यूट लेवल पे एडमिशन चल रहा है। जैसे अगर आप कर्नाटक की बात करें तो आप किसी एजेंट के थ्रू ना जाके डायरेक्ट जो कॉलेज में वैकेंसी बची है उस कॉलेज से वैकेंसी पता करें और कॉलेज पे डायरेक्ट जाएं। वहां पे अगर आपका 1 CR का बजट है तो अदर कोटा में एडमिशन आपको इजिली मिल जाएगा, ठीक है। जैसे बी आर अम्बेडकर है, आकाश है, एम बीजे है, जेजेएम है, ऑक्सफोर्ड है, इन सब कॉलेज में अभी सीटें बची हुई हैं अदर कोटा की। आप वहां पे जाके निगोशिएट करके सीट ले सकते हैं, ठीक है। बजट आपका मार्क्स मैटर नहीं करेगा, अगर आपका 150 के अराउंड है तो आप एडमिशन इजिली वहां पे ले सकते हैं। जो काउंसलिंग से बचा हुआ अभी दो काउंसलिंग है वो ऑल इंडिया डीम्ड कोटा की है और उत्तर प्रदेश की है। Here you can do the fresh registration from 30th August. So last hope for the MBBS admission for 2019 All India Deemed Quota Mop-up and Uttar Pradesh Mop-up. All India Deemed में क्या है कि anyone can take the fresh registration. Students who got seat in round one but took the free exist can also apply without fresh registration. जो लोग को round one में कोई seat मिली थी, satisfy नहीं थे, उस seat को छोड़ दिए हैं, वो लोग बिना फ्रेश रजिस्ट्रेशन किए मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हु गॉट सीट इन राउंड टू बट डिडंट टेक द सीट, जो लोग राउंड टू में बाय फॉल्ट हाई रेटेड कॉलेज अलॉट करवा लिए थे और उस सीट से सेटिस्फाई नहीं थे, सीट छोड़ दिए हैं, वो लोग मॉपअप में फ्रेश रजिस्ट्रेशन 2 lakhs फिर से लगाकर ले सकते हैं। देयर इज नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर द एस्ट्रे वैकेंसी। एस्ट्रे वैकेंसी आप काफी लेट से आएगी 27 अगस्त के बाद, तो एस्ट्रे वैकेंसी के लिए कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो ऑल इंडिया डिम्ड मॉपअप का रजिस्ट्रेशन 13 अगस्त है, आप कर सकते हैं, ठीक है। इनका जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, डिस्प्ले ऑफ द सीट मैट्रिक्स, इट इज सेकेंड वीक ऑफ अगस्त 2019, सीट मैट्रिक्स एक दो दिन में आ जाएगी। फ्रेश रजिस्ट्रेशन इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अगस्त 13 to 15। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग इज अगस्त 16 PM। Allotment of results August 18, reporting to the college August 20 to 26 and transfer of the vacancy to the respective institute August 27. यानी जो आपकी एस्ट्रे वैकेंसी है वो अगस्त 27 से होगी। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, प्लीज टेक द एडमिशन इन द मॉप अप राउंड ओनली, डोंट ट्राई फॉर द एस्ट्रे राउंड। क्योंकि एस्ट्रे राउंड में जो फीस होता है वो शेयर मार्केट की तरह अप डाउन होगा, वो कॉलेज की जो सीट होती है वो कॉलेज में चली जाती है और वहां पे फीस, जो लोग फीस ज्यादा देते हैं ऑनर सीट उन्हीं को देते हैं, ठीक है। या तो जब कोई लेने वाला नहीं होता है उस केस में आपको लो बजट में भी सीट मिल सकती है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि सीट ऑलरेडी बुक्ड होती है। So, आप मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में सीट लेने का पूरा कोशिश करें, ठीक है। दूसरी बात आती है, अगर आपके पास एक और होप बचा है फ्रेश रजिस्ट्रेशन के साथ, वो उत्तर प्रदेश है। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग आपकी अगस्त 13 से 19 तक है और रजिस्ट्रेशन भी 13 अगस्त से शुरू है। उत्तर प्रदेश में फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं और मेरिट लिस्ट आपकी 17 को आएगी। जो रिजल्ट टाइप का वो 19-20 को है, ठीक है। और लास्टली जो है ऑन द स्पॉट एडमिशन होगा एट द कॉलेज लेवल, ठीक है। अगर हम डीम्ड की फीस की बात करें, जो कि ऑलरेडी आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया गया है, फिर आपको एक बार बता दिया जा रहा है, ये लो फीस से लेके हाई फीस तक इंडिया में जितने भी डीम्ड कॉलेजेस हैं सबका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है और आप यहाँ से देख के मॉपअप राउंड के भी आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो
होपलेस ना हो, जिनके पास बजट है, अभी तक कहीं नहीं कराए थे या डे को टालते रहे कि अभी करेंगे कल करेंगे, तो लास्ट होप अभी बचा है डिम्ड का और ऑल इंडिया, डिम्ड ऑल इंडिया का प्लस उत्तर प्रदेश का, जो कि 13 से फ्रेश रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी कर्नाटक के ईटीसी में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, वेरिफिकेशन था, अभी तक सीट नहीं मिला है, उनके पास 1 CR का बजट है, तो बिना किसी एजेंट से मिले भी अगर वो कॉलेज लेवल पे जाके एडमिशन लेंगे, ठीक है, तो उनको एडमिशन इजिली मिल जाएगा। ओके, इवन इन अदर स्टेट, वेस्ट बंगाल ऑल्सो, ठीक है, तो एस्ट्रे वैकेंसी राउंड में बिना किसी एजेंट के मिले भी आप कॉलेज पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि अदर कोटा की जो सीटें हैं वो बची रहती हैं, एनआरआई सीटें बची रहती है। एनआरआई सीट को जो एमसीआई है वो हर कॉलेज को ये रूल रूल बना के दे दी है कि अगर उनका एनआरआई सीट फिलअप नहीं हो रहा है तो वो इंडियन मैनेजमेंट सीट में कन्वर्ट करके फिलअप कर सकते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी किए हैं वो जाकर एडमिशन ले लें, और जो लोग अभी वेट कर रहे हैं काउंसलिंग के थ्रू ही जाने का, वो आपको ऑल इंडिया डिम्ड कोटा प्लस उत्तर प्रदेश का फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेके, ठीक है, 10 to 15 days के अंदर अभी टाइम है, एडमिशन ले सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे, कीप एंजॉयिंग एंड कीप लाफिंग। एनी डाउट यू कैन कॉल अस, यू कैन मैसेज अस।